बना रहे थे चाय, लेकिन समय नहीं मिला तो कॉफ़ी बना दिया जल्दी सा। यहाँ पर जल रहा है चूल्हा हमारा, दूध खोलते हैं डालते हैं। चलो बोल रहे यार, मुसीबत में कोई इंसान है उसकी हेल्प करो ना फिर। भाई तो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, आज दुनिया गोल है साबित हो गया यार। जिसके साथ शुरू शुरू में हम लोग चले थे, बिछड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इसका रास्ता अलग हो गया था, मेरा रास्ता अलग हो गया था, तो ये भाई चला गया कहीं और गलती से मिस्टेक करके, और हम भी गलती से मिस्टेक करके दूसरे जगह चले गए, तो इसका सफ़र अलग हो गया, हमारा सफ़र अलग हो गया। लेकिन अभी फिर से वो मिल चुका है, चलिए मिलवाते हैं, आप देख करके पहचान लेंगे। तो यहाँ पे है भाई, हम लोग बिछड़े थे केरल में और अभी आके उत्तराखंड में मिले हैं, केदारनाथ के बाबा का मर्जी से। तो बोलो हर हर महादेव। और अभी फिर से भाई को लेके हम जा रहे हैं केदारनाथ, भाई दर्शन करके आ चुका है लेकिन मेरे लिए फिर से जा रहा है, तो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अभी हम लोग साथ में रहने वाले और पूरा एंजॉय करने वाले हैं, तो भाई को सपोर्ट करना एंड सारी की सारी वीडियो देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, भाई का चैनल है गमंटू राजा। भाई तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं इधर जा रहा था वो इधर से आ रहा था, तो क्या हुआ कि अब बोल रहा है भाई शुरू में रहे थे हम लोग को बहुत मज़ा आया था, तो हम दर्शन करके आ चुके हैं लेकिन अकेले अकेले में करके आए, साथ में जाएंगे तो थोड़ा और इन्जॉय करेंगे, इसलिए दोबारा चलते हैं और सफ़र को सुहाना बनाते हैं, इन्जॉय करेंगे। भाई ज़बरदस्ती ले कर भी जा रहा है, तो हम भी सोच रहे हैं यहाँ पर ऐसा एरिया है कि यात्री को रुकने का कोई प्रावधान नहीं, मतलब कहीं भी आप देर तक रुक नहीं सकते, अगर रुकना चाहें तो होटल लेके आपको 2000 रुपया पर डे का पड़ेगा, तो उतना तो हमारा बजट नहीं है, तो इससे अच्छा चलो साथ में सफ़र ही कर लेते हैं, फिर अपना रास्ता इधर से बद्रीनाथ वगैरह होते जाएंगे। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग, जय जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जैसे कि ऑल इंडिया राइड साइकिलिंग राइड करते हुए मेरा हो चुका है आज 171 दिन, लेकिन आप वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो में होगा 161 या 62वां दिन चल रहा होगा शायद। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार ऐसे जगहों पे मैं होता हूं जहां पे नेटवर्क नहीं होता है, और वीडियोज़ वगैरह अपलोड करना एडिट करना इसलिए होता है, और कई बार एक एक दो दो दिन कहीं पे रेस्ट भी किया हूँ, इस वजह से ये हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा सीरियली काउंट मतलब जिस दिन सो रहा था उस दिन का वीडियो मैंने नहीं बनाया, तो इस वजह से ये स्किप हो गया है डे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 28 नवंबर 2023 को निकला था घर से, तो वो आप जोड़ घटा करके आप हिसाब किताब देख सकते हैं, तो इतना दिन हो चुका। अभी मैं हूँ केदारनाथ में, हमारा जो दोस्त मिल गया था ये वाला क्लिप आप देख सकते हैं, तो नागेश्वर, तो उसके साथ मैं दोबारा से केदारनाथ में आ गया, और यहाँ पे केदारनाथ में दो दिन से रेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर लोकेशन पे एक जो हमारे भैया हैं मिडनाइट ब्लॉगर सोनू, मिडनाइट ब्लॉगर भैया हैं, उन्होंने अपना कैंप लगाया था, हम लोगों ने प्लान करके आया था यहाँ पर कि आज ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, लेकिन भैया ने बुला लिया, और बुला करके यहाँ पे देखिए कि हमको मतलब अपना कैंप था उन्होंने हमें यहाँ पे सुला दिया, तो यहाँ पे भैया एक दिन और रोक लिए, तो भैया के साथ रहते इंजॉय करते हैं। बहुत ही प्यारा लोकेशन पे हमने लगाया है कैंप, उधर भोलेनाथ का मंदिर है आप देख सकते हैं। और लाइन की बात करें तो दिन पर दिन केदारनाथ में श्रद्धालुओं का भीड़ बढ़ता जा रहा है जब से पट खुला है, तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कैंपिंग, और देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ट्रेवलर का लाइफ होता है, यहाँ पे सब सामान आ चुका है, और यहाँ पे है मिस्टर नागेश्वर, कैसे हो भाई? बस अच्छा। और यहाँ पे हैं सोनू भैया, क्या कर रहे हैं भैया? आग लगा रहा हूँ। आग लगा रहे हैं, आलू सेकना है, आलू सेकना है ना। देखिए इस तरीका से हम लोग कैंपिंग वगैरह करते हैं, ये कर रहे हैं, वाह, अरे धुआं हो गया यार, चलो कोई बात नहीं आ रहा। और यहाँ पे दिखाऊँ तो थोड़ा सा नेचुरल पानी भी है, बोतल हम यहाँ से ऐसा उठाते हैं, एक बोतल लाया हूँ, और यहाँ पे देखिए कि ये पानी है एकदम शुद्ध, इसको पीते हैं, जैसे कि मैं आपको पी करके दिखाता हूँ, यहाँ से ऐसे लिया, और फ्रिज से भी ठंडा पानी,
तो ये कुछ नज़ारा है। अभी बादल आ गया है पहाड़ के बीच में, नहीं तो दिख नहीं रहा है, तो बर्फ़ का पहाड़ दिख नहीं रहा है, सुनो वाला। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। यार एक आलू कच्चा कैसे रह गया समझ में नहीं आ रहा, पत्थर का आलू थक दिया हम लोग कैसे पकाता है आलू जी? लगता है वजन बढ़ाने के लिए पत्थर का आलू दे दिया। देखिए चार आलू पक गया बेटा, एक रह गया। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बदोबदी वाला गाना सेट हो जाता है, बदोबदी। देखिए दोस्तों चाय बना रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ पर जल रहा है चूल्हा हमारा, दूध खोलते हैं डालते हैं। बंद करो डायरेक्ट, फट नहीं रहा। अरे धरे रहना धरे रहना, इतना चाय पिएगा। आज को थोड़ा तेज करना पड़ेगा क्योंकि दूर हम। यार चाय बनाते बनाते बारिश आ गया, पता नहीं अब चूल्हा लेकर के भागना पड़ेगा लगता है। यहाँ पर देखिए कि टाइम लगेगा इसको बनने में, हमको नहीं पता था कि इतना ज़्यादा दूध होगा, ये तो भर गया, इतना चाय कैसे पीऊँगा। चलो गर्म करके दूध पी लेते हैं एक बार थोड़ा थोड़ा सब मिल के, और उसके बाद फिर चाय बना के पी लेंगे, बिस्कुट वगैरह में खा लेंगे, है कि नहीं? देख सकते हो यार ठंड के मारे ना पूरा नाक में काला काला हो गया है, यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड है, और ओठ उठ पूरा तुरंत सूख जाता है ठंड की वजह से। देख सकते हैं बर्फ़ का पहाड़ी दिख रहा था, बादल पूरा आ चुका है, रेडी है पानी बरसाने के लिए, बस 10 मिनट रुक जाए हमारा काम हो जाए बस। अरे भाई चाय बनाते बनाते यहाँ पे पानी आ गया यार, हमको चाय भी सही से बनाना नहीं आता, फिर भैया को आना पड़ा, सोनू भैया को, मिडनाइट ब्लॉग। यहाँ पे देखिए जल्दी एक बात बताओ, भगवान के लिए भगवान तो ना बोल रहे यार, मुसीबत में कोई इंसान है उसकी हेल्प करो ना फिर। हाँ हम तो वही करते हैं लोग, मैं तो वही करता हूँ भाई, हम हेल्प करते हैं। कोई बोलता है ना कि चढ़ा देना एक आदमी, ना भाई मैं तो मैंने बोल दिया हाँ भाई चढ़ गया भाई। आलू पैसा कहाँ जाएगा, उनके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट क्या करेगी उसके पैसे का? भगवान थोड़ी ना रखते पैसा, पंडित रखते, पुजारी रखते, कोई क्या रखता है, वो पैसा गरीबों में करो ना। पता है हम लोग कॉफ़ी बनाए हैं, इसमें कम से कम 10-15 लोग पिएगा, लेकिन हम तीन लोग मिल करके पी लेंगे। अरे यार पानी आ गया, आलू भी आधा कच्चा रह गया। नहीं 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 आलू को तो उसका वो करूंगा ना अभी कट करके इसको, और वो अभी पता नहीं बाबू मैगी नहीं, या मैगी उसके साथ में मिला के फिर खाने का। अच्छा ऑयल है क्या, सरसों ऑयल है ना, है ना, तो उसे फ्राई भी तो हो जाएगा, थोड़ी हो जाएगा वो भी सकते हैं, क्योंकि हाफ बॉइल तो हो चुका है। हाँ ये भी कर सकते हैं हम लोग। कॉफ़ी बनाते बनाते मतलब बना रहे थे चाय, लेकिन समय नहीं मिला था, कॉफ़ी बना दिया जल्दी सा, और चाय पी के कॉफ़ी। मस्त बारिश आ गया है, और यहाँ पे है हमारा कैंपिंग, एक्चुअली दो लोग का ही कैंपिंग है, इसमें तीन लोग घुसे हुए हैं। एकदम तुरंत गर्म था, अभी तुरंत ठंडा हो गया, इतना यहाँ ठंडे मौसम। ए तुम लोग इतना अच्छा कप में पी रहा है, हमको दे दिया ऐसा, देखो भाई मेहनत करने वाला का कोई सफल नहीं करता। तुम क्या आदमी है यार, हम लोग दिए हैं, तुम खुद उसमें लेके पी रहे हैं। गार्बेंजर सेक्शन में मैंने किया हुआ है, पेंट्री सेक्शन में मैंने काम किया हुआ है, आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोग नहीं समझोगे। यहाँ पे दोस्तों तो कोई भी चीज़ का आप नाम बताइए, मैं बता दूंगा कैसे बनती है। अच्छा एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं बारिश इतना तेज़ आ गया, मतलब तेज़ भी नहीं, लेकिन यहाँ का जो बारिश है झेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बारिश के साथ ठंड भी आता है, तो इस वजह से हम लोग कैंप के अंदर ये बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा बन रहा है मैगी। सुनना घर से फ़ोन आ रहे हैं यार, और यहाँ पे भैया है, भैया चेहरा दिखाई थोड़ा ठीक से, हर हर महादेव। चलो बनाओ भाई। अरे सुनो दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ टेंट में, और अभी समय हो चुका है पूरे 9 बज चुका है, और यार इतना ठंड है मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे हाथ जमने लगे थे, थोड़ा सा पानी से हाथ का धो लिया, मेरा हाथ काम ही नहीं कर रहा था, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऑक्सीजन का कमी फील हो रहा है। देखिए सबके साथ नहीं होता है, लेकिन जो यार थोड़ा सा कमज़ोर होता है, क्योंकि मैं ये डबल बार लगातार केदारनाथ का डबल बार ट्रैकिंग कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। तो यहाँ का टेम्परेचर जानते हैं, टेम्परेचर कितना होगा भैया बताइएगा तो। हे श्री
What's the Kedarnath temperature now? In Kedarnath, it's 1 degree. तो गाइज आपने देखा कि यहाँ 1 डिग्री टेम्परेचर है और हम हैं यहाँ पे सोनू भैया हैं। सोनू भैया को जरा दिखा दीजिए। मैगी खा रहा हूँ यार। भैया सोनू भैया मैगी खा रहे हैं। इनको इतना ठंड लग रहा था कि कैंप से निकले ही नहीं। हम लोग भंडारा खा के आ गए। भैया खा रहे हैं मैगी बना के। कुछ देर में कॉफ़ी भी बनेगा और ब्लॉग को इन करेंगे। यहाँ पे हैं अपने नागेश्वर भाई जो कि छुपे हुए हैं। और इसका चेहरा कैसा दिख रहा है? नेपाली लग रहा है भाई। थोड़ा उधर से दिखाओ। हाँ ये देखिए, ये हमारे हीरो हैं नागेश्वर भाई साहब, जो कि इतना मस्त जैकेट पहने हुए हैं, मज़े ले रहे हैं ठंड का। और मैंने तो क्या किया था कि मेरा ये जो जैकेट है ना, ये हमको गिफ्ट में मिला था डीकैथलॉन के तरफ से। तो मैं सोचा कि ये बहुत अच्छा है, काम देगा। लेकिन क्या हुआ था कि वो मैं अपना जो मेरा बढ़िया वाला जैकेट था वो किसी और को दे दिया। तो ये पतला वाला इससे काम नहीं चल रहा यार, तो कुछ लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी तो पैसे कम हैं लेकिन हो जाएगा कुछ ना कुछ। और तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे इन कर देते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। कमेंट में एक बार लिखिएगा हर हर महादेव। चलिए तो ब्लॉग को इन करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओके, लेट बट ग्रेट।